नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट फिल्टर पर। वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, सभी टीम्स ने अपनी अपनी कमर कस ली है। आगे क्या होगा ये तो वर्ल्ड कप शुरू होने के बाद ही पता चलेगा। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड कप से जुड़े एक मैच के बारे में। जब से T20 वर्ल्ड कप 2007 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच टाई हुआ है, तब से ही कहा जाता है जिस भी टूर्नामेंट में इंडिया का मैच टाई होता है वह टूर्नामेंट इंडिया जीत जाती है। ऐसा ही वाकया वर्ल्ड कप 2011 में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच में देखा गया। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड कप 2011 में इंडिया और इंग्लैंड के बीच हुए मैच के बारे में। इंडियन टीम के कैप्टन धोनी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया। इंडिया ने शुरुआत अच्छी की पर 35 रन बनाकर सहवाग आउट हो गए। उसके बाद सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर ने मोर्चा संभाला। गौतम गंभीर ने शानदार 51 रन बनाए और आउट हो गए। गौतम गंभीर के आउट होने के बाद युवराज ने इंग्लैंड के बॉलरों की जमकर धुनाई की। बैटिंग यूनिट में असली काम तो सचिन तेंदुलकर ने किया। उन्होंने हमेशा की तरह शानदार बैटिंग की और शतक भी जड़ा। सचिन ने 120 रन बनाए। सचिन के आउट होने के बाद धोनी ने भी अच्छे हाथ दिखाए और 31 रन बनाए। टीम ने शानदार बैटिंग करते हुए 338 रनों का विशाल लक्ष्य इंग्लैंड को दिया। इंडियन दर्शकों को लगने लगा कि इंडिया यह मैच आसानी से जीत जाएगी, पर मैच में ट्विस्ट एंड टर्न बाकी थे। जैसा कि इंडियन दर्शक सोच रहे थे ऐसा हुआ नहीं, हुआ ठीक उसके उलट। इंग्लैंड की टीम ने शानदार जवाब दिया। इंग्लैंड की टीम ने शानदार जवाबी कार्रवाई की। इंग्लैंड की ओर से पारी की शुरुआत करने आए स्ट्रॉस और पीटरसन ने शानदार शुरुआत दिलाई। उसके बाद इयान बेल ने भी स्ट्रॉस का अच्छा साथ निभाया। एक समय तो ऐसा लगने लगा कि इंग्लैंड यह मैच आसानी से जीत जाएगी, क्योंकि इंग्लैंड के कप्तान स्ट्रॉस ने तो इंडियन बॉलरों का धागा खोलकर रख दिया था। इंग्लैंड लगभग मैच जीत ही गया था कि तभी बॉलिंग किए सचिन तेंदुलकर। जहरी खान ने इयान बेल को आउट कर दिया और इंडियन टीम को मैच में वापसी भी दिलाई। उसके बाद लगातार विकेट गिरने के कारण मैच टाई हो गया। धोनी के शानदार कप्तानी और लास्ट के 10 ओवर में जहीर खान के धारदार गेंदबाजी के कारण मैच टाई हुआ। स्ट्रॉस ने शानदार 158 रन बनाए पर मैच को टाई होने से नहीं रोक पाए। आगे क्या हुआ ये तो हम सब जानते ही हैं। इंडियन टीम वर्ल्ड कप 2011 जीत गया। ऐसा ही कुछ इंडियन दर्शक इस वर्ल्ड कप में होने की उम्मीद कर रहे होंगे। ऐसा होगा कि नहीं होगा ये तो हम नहीं जानते, पर इंडिया वर्ल्ड कप जीते ये सब हम चाहते हैं। ऐसे ही वर्ल्ड कप और क्रिकेट से जुड़े किस्सों के लिए क्रिकेट फिल्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।